जस्ट बिकॉज आपको कोई बहुत आपकी परसेप्शन है कि वो सक्सेसफुल है या वो बहुत ओहो दे हैव एवरीथिंग, दैट डजंट गिव यू एनी अथॉरिटी टू बी अनकाइंड टू देम. आपको नहीं पता यार किसकी क्या स्ट्रगल्स हैं. बिल्कुल. सो इट अप्लाइज ऑन बोथ मेन एंड वुमेन. बिल्कुल. सो वी नीड टू बी काइंडर टू ईच अदर एंड लर्न टू कोएग्जिस्ट. या इंटिमिडेट नहीं होना एक दूसरे से. इंडस्ट्री में उर्वा कैन एक्ट्रेसेस बी फ्रेंड्स? यस, आई एम फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम. आई नो, अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट. एंड आई थिंक ये हम में थोड़ा सा इन बिल्ट भी है. मैं और मावरा दो एक्टर्स हैं जी जो एक घर में रहते हैं और हमने पूरी लाइफ ही साथ देखी है. मुझे लगता है वी नेचुरली नो हाउ टू को एग्जिस्ट. सो या दैट आई मीन मुझे तो बड़ा आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन शेयरिंग स्पेस, स्क्रीन स्पेस और द सेट स्पेस विद ऑल दीज women who are successful and who are so good at what they do. Yeah. And even being around them teaches you so much. Chahe wo producers hain, chahe wo directors hain, chahe wo, again, in general, I'm talking about women, but yeah, co-actors can be great friends. Yeah. Why not? That's amazing. Yeah. Punjab nahi jaungi with Mehvish. We had a ball of a yeah. And abhi maine Mushk pe, there was Zara, there was Momal, humein bahut maza aaya. I think when I came to Karachi, my first play was with Sajjal. Uh-huh. And I remember ki main, I used to ask her questions and learn from her. Yeah. So, I mean, if you have that wavelength with co-actors around you, and it applies on men also, like even jitne bhi ladke hain. I think I'm friends with everyone. Yeah, yeah. I see you with everyone. Yeah, yeah. Aapko milti hu. Yeah. Khano so, haan, toh mujhe lagta ki you learn so much from them. So, आप मावरा को अक्सर मावरा की को प्रोटेक्ट करती हैं सोशल मीडिया पे, मावरा की हिमायत करती हैं, वो भी आपकी दोनों करती हैं, वो भी आपकी करती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बहुत जरूरी होता है ना सोशल मीडिया पे, मतलब आपको क्या लगता है कि जवाब देना चाहिए? मुझे लगता है वैसे मैं नहीं इतना देती, ना ही मैं इतना कोई कभी कॉमेंट्स पढ़ती हूँ. अच्छा, मेरा सोशल मीडिया ही ना होता अगर मावरा ना होती, या अगर ये एक इन जनरल ये प्रेशर ना होता कि अच्छा समटाइम्स यू हैव टू अपडेट पीपल अबाउट योर वर्क. मैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ एंड देन मुझे कोई ना कोई जैसे सेट पे किसी ने कह दिया कि यार वो ड्रामे की पोस्ट लगा दो यार, या फिल्म का ये शेयर कर दो, तो फिर मैं कर देती हूँ. सो मुझे लगता है कि हर किसी का आपकी हर बात समझना जरूरी नहीं है. बिल्कुल. अगेन आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन समहाउ. तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर मैं खुद अपने बारे में किसी चीज को अप्रूव नहीं करती. बिल्कुल. आपकी अपनी बाउंड्रीज फर्म है आपके हेड में, मेरा ख्याल है. हाँ, मुझे लगता है. I mean, I'm still getting there. I love it when you push boundaries because that's what I was saying earlier. कि आप हल्की हल्की कभी कभी you push the boundaries in the way you look and you know the way you dress, and I personally love it. Not everyone has to. मैं limit करती खुद को. Again, I think ऐसे ही लेना चाहिए लाइफ को. I just do what I feel like doing. That's amazing. My heart tells me to do. Next time I meet Razia aunty, I am going to just say to her कि ये आपने जो किया है ना, हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत अमेजिंग. और मेरा मुझे लगता है कि बहुत से लोग हैं जो अगर ध्यान दें what their heart is telling them to do, and if they become, I mean, सब में ये पावर होती है to be instinctive, they kind of think अच्छा नहीं 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 नहीं, and they start calculating. मैं भी बहुत घबरा जाती हूँ कभी कभी. तो मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती. हाँ. मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती अपने decisions, अपना अच्छा जब मैं ये करूंगी ना तो यूं होगा. मेरा दिल चाह रहा है ना तो मैं कर गुजरूंगी, फिर देखते हैं क्या होगा. और इसी पे मेरा दिल चाह रहा है तो मैं कर गुजरूंगी, क्या बात है. इसी पर रैपिड फायर पे जाते हैं. हाँ. और जो आपके मन में आए आप कह गुजरिएगा. जी ठीक है. वर्स्ट फैशन ट्रेंड. वर्स्ट फैशन ट्रेंड. अच्छा, मैं फैशन टू मच मेकअप. Could be, या मुझे सोचने दे. मुझे लगता है रिसेंटली मैंने किसी चीज के बारे में ये सोचा था एंड देन अच्छा मुझे ना वर्स तो नहीं मैं कहूंगी, शलवार कमीज को जो इतना कुछ मोल्ड कर दिया गया ना, मुझे बहुत मजा नहीं आता. ठीक. मुझे लगता है शलवार कमीज. मूवी जो उर्वा को रुला देती है. रोमांटिक फिल्म्स. आई एम अ मेजर रोमांटिक फिल्म फैन, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादातर कभी हैप्पी एंडिंग होती है, कभी सैड होती है. सो या उर्वा का सेलिब्रिटी क्रश. फवाद खान. मेरा भी. फिल्म और ड्रामा यू विश यू वर अ पार्ट ऑफ. फिल्म और ड्रामा. फिल्म आई वुड से चूड़ियां. ओह
क्या बात है, चूड़ियां का साउंडट्रैक, उफ मुझे याद है मेरे बचपन का साउंडट्रैक था, मैंने पता नहीं वो कितने सौ दफा देखी है मेरा। सही। डील ब्रेकर व्हेन अ स्क्रिप्ट इज ऑफर्ड टू यू, व्हाट डू यू लुक फॉर? आई लुक फॉर अ कैरेक्टर दैट इंस्पायर्स मी, दैट्स ऑल दैट आई लुक फॉर। फेवरेट को-स्टार? आई हैव सो मेनी ऑफ देम, बट आई मीन आई थिंक देयर इज अ ओके Hermione. Okay, yeah, yeah. Interesting. Yeah. Five things on your to-do list. To-do list. Achha. I'm trying to learn how to play squash. Ooh. I've started. Wow. Abhi to main, you know, but that was the bucket list jo main koshish kar rahi hu ki main tick kar lu. I'm trying to paint. Sketching mujhe aati hai hamesha se. रंग नहीं मुझसे भरे जाते, सो मैंने शुरू किया है। मैंने अपने घर की कुछ दीवारों पे अच्छा प्लांट्स से शुरू किया है, एंड यू नो फिर मेरी दो तीन स्केच बुक्स हैं, उनमें मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। सो वन डे समथिंग गुड विल कम आउट एंड आई विल शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। और तीसरी थी, मतलब मैं आजकल आई एम कैचिंग अप ऑन इट, लॉकडाउन में मुझे थोड़ा टाइम भी मिल गया, सो आई एम रीडिंग उर्दू लिटरेचर एंड पंजाबी। ओके, जितना मुझे समझ आता है, अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ आता है, लेकिन मैं उर्दू वैसे मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पढ़ूँ कोई राइटर्स, कोई हमारे जो शायर हैं उसके लिए मैं टाइम निकालूँ। सो आई हैव बीन रीडिंग बुल्ले शाह। ओके, और उसकी एक चीज़ मैं आपको सुनाती हूँ, आई होप आई रीड इट करेक्ट। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, चार दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी। वाह। मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ टेंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहंदा। उफ, आई थॉट दिस वाज सो ब्यूटीफुल, तो ये मुझे पढ़ते ही याद हो। ओके, कराची या इस्लामाबाद? कराची या सिडनी? वर्क वर्क इज कराची, आई लव माय वर्क, आई आल्सो लव कराची, आई लव कराची। एक्टिंग या प्रोडक्शन? ये बहुत मुश्किल सवाल है। आई थिंक जिस वक्त मेरा जो करने का दिल चाहे वो। थ्री टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज? थ्री टिप्स फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ वुड बी बीइंग काइंड टू योरसेल्फ फर्स्ट, हैविंग योर करेक्ट बाउंड्रीज, एंड थर्ड वुड बी हैविंग पीस ऑफ माइंड। That makes a successful life with anyone. And therefore a successful anywhere. Marriage, ultimately. Yeah. And successful relationships overall in general. Urva, yeah. Thank you so much for your time and for thank all you for the way. Thank you for having me. I had such a wonderful time. Yeah, and you know, I बहुत बोलती हूँ, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे कहते हैं कि आप कम बोला करें, आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, और इस दफा जब मैं आपके सामने बैठी हूँ तो मेरा बोलने का दिल भी नहीं किया, क्योंकि आपने इतनी नाजुक और प्रोफाउंड बातें की हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू, और आई होप कि आप मजीद अब बोलेंगी इन इश्यूज पे। आई होप सो आपने